बड़ा एंजॉय ना देखा आपने बॉलीवुड के अनारकली के ठुमके भेले हैं राजस्थान की कठपुतली अनारकली के आगे तो यार तो कैसा लगा भैया अनारकली के ठुमके अनारकली को देखा अब माइकल जैक्सन आ रहा है अमेरिका वाला माइकल जैक्सन तो देखो तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एक नए ब्लॉग के साथ दोबारा आज हम जयपुर में आपको जंतर मंतर दिखाने आए हैं सारा कुछ दिखाएंगे जंतर मंतर का हम डायरेक्ट अंदर एंट्री कर चुके हैं बाहर का आपको थोड़ा सा दोबारा शूट करेंगे जब आपको बताएंगे बाहर का क्या सीन है क्या सीन नहीं है तो आप जंतर मंतर आएंगे जंतर मंतर की इंडियन टिकट प्राइस 50 रुपये है और फॉरेनर्स की 300 तो आओ जंतर मंतर बहुत अच्छा है यहाँ पे सारे सन क्लॉक्स हैं और जो राशिफल वगैरह बताती ना उसके मशीन्स हैं बहुत पुराने टाइप के जो सनलाइट से बताते हैं सारे टाइम वगैरह तो चलते हैं आपको अंदर लेके चलते हैं सीधा आपको अंदर मिलेंगे लेस गो आपको सारा व्यू देंगे सारा कुछ जैसे अभी स्टार्टिंग में आते हैं ना तो जंतर मंतर में एक ये आर्किटेक्चर बना हुआ है अलग अलग तरीके के इसमें मॉडल्स बने हुए हैं सारा कुछ आपको दिखाएंगे एक एक करके तो चलो चलते हैं वैसे धूप हो रही है बहुत क्योंकि हम हमेशा धूप में ही घूमने निकलते हैं पता नहीं क्यों हमारे क्या चूल्हे कि हमको गर्मी में घूमना पड़ता है पता ही नहीं देखो सर कितने काले हो गए गर्मी में देख लो ऐसे घूमना पड़ता है गर्मी में चलो ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं तो चलते हैं आगे चलो इसको तो मैं आपको एक है ना धूप घड़ी दिखाता हूँ जिसको कहते हैं धूप घड़ी जो इंग्लिश में क्या बोलेंगे धूप घड़ी सन घड़ी सन क्लॉक सन क्लॉक बोलेंगे तो मैं आपको सन क्लॉक दिखा रहा हूँ ये पढ़ लो इसके बारे में लिखा हुआ है और ये कुछ ऐसी दिखती है ये सन क्लॉक कुछ ऐसे दिखती है पता नहीं कैसे पता करते थे पहले सन क्लॉक में टाइम लेके कि किस तरीके से शूट करते थे सारा कुछ तो ये पता नहीं कैसे बताती थी वो तो वही जाने जिनने घड़ी बनाई है कि ये कैसे बताती थी सनसेट टाइम तो चलो कंटिन्यू रखते हैं आगे चलते हैं आगे देखते हैं और क्या क्या है पूरा आपको व्यू दिखा दूं मैं यहाँ से ये देखो काफ़ी सारे ब्लॉगर्स आए हुए हैं बड़े बड़े फॉरेनर्स वगैरह के सारे सारा सीन है जो भी है सारे आपको देख सकते हो यहाँ पे ये देखो तो वहाँ देखो गानागढ़ जाते हैं सारा बढ़िया शानदार व्यू है मतलब यहाँ से मौसम भी अब ठीक ठीक हो गया है धूप कम हो गई है सारा कुछ तो चलो कंटिन्यू रखते हैं ब्लॉग को चलते हैं आगे तो मैं भी इसमें अंदर आया इसे यामा यंत्र बोलते हैं ये 1900 कितने में बना था भैया देखिए अभी देख के आ रहे हैं आपको बताते हैं कब बना था ये देखो कुछ ऐसा दिखता है आपको पूरा दिखाता हूँ मैं ये देखो ये कुछ ऐसा दिखता है पूरा 1891 में ये बना था हाँ चीनू कब बना था ये 1891 ये 1891 में बना था ये पूरा सारा ऐसा बाहर से भी दिखाता हूँ मैं आपको ये देखो ये यामा यंत्र बोलते हैं इसको ये यहाँ से इसकी स्टेयर्स जाती है तो ऊपर जाते थे वहाँ पर और वहाँ से इस यंत्र को यूज़ करते थे राशिफल भविष्य देखने करने के लिए और अभी एक और दिखाता हूँ मैं आपको राशिफल देखने की चीज़ तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ राशि यंत्र मैं ये देखो ये दिख रहा है आपको ये नीचे जा रहा है गोला सा बाउल सा बना हुआ है ये पूरा राशि यंत्र होता था पहले टाइम पर इसमें से होल्स है ये देखो ये होल है ना इसमें से लाइट मतलब सन की लाइट अंदर जाती थी और नीचे उस पत्थर पर पड़ती थी फिर वो राशिफल बताता था तो राजा के मंत्री वगैरह उनका राशिफल देखते थे इससे पता चलता था एक सेम यहाँ भी है ऐसा राशिफल देखने का सारा कुछ तो ये राशि यंत्र है अभी आगे चलते हैं आगे दिखाते हैं और कौन कौन से यंत्र है यहाँ पे सारा कुछ तो चलो ये देखो आज मैं पूरी गैंग के साथ आया हूँ ब्लॉग शूट करने पता है ये देखो मैं पूरे मेंबर्स को लेके आया हूँ ब्लॉग शूट करने के लिए ढंग से मैंने कहा सब चलो ढंग से मजे मारेंगे ब्लॉग में मैं अकेला अकेला थोड़ा सा बोर सा फील हो रहा था तो आप तो बोलते नहीं हो कमेंट में कुछ तो मेरे को ऐसा लगता है मैं अकेला शूट कर रहा हूँ कमेंट में कुछ बोला करो ताकि लगे मैं साथ में शूट कर रहा हूँ आपके आप कमेंट करते रहा करो आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि मैं क्या शूट कर रहा हूँ गलत शूट कर रहा हूँ कुछ सारा गाइड किया करो मुझे ताकि मैं हर ब्लॉग में मोटिवेट हो सकूँ और हर ब्लॉग में अच्छा दे सकूँ मेरा कंटेंट जो रहेगा हर ब्लॉग में बेटर होता चला जाए तो आप बताते रहा करो मेरे को गाइड करते रहा करो कि भाई ये तुम ऐसा कुछ गलत किया तुमने या कुछ तो मैं उसको सही करने का ट्राई करूँ तो ठीक है तभी एक और यंत्र में आया अभी आपको दिखाते हैं चलो देखते हैं आ जाओ गाइस देखो एक है ना आपको एक वो पूरा दिख रहा है वो बहुत बड़ा वाला खांगे ये वाला ये सबसे बड़ा है ना मतलब क्या बोलते हैं इसको सन क्लॉक यंत्र धूप का जो यंत्र सबसे बड़ा वो है और उसका छोटा मॉडल जो है ना वो देखो ये रहा ये पूरा है ये देखो ये पूरा वहाँ पे बना हुआ है यहाँ से आप देख के समझ सकते हो वहाँ पे चढ़ना अलाउड नहीं है ऊपर तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि ये कितना बड़ा है तो कठपुतली का खेल भी आपको पूरा कठपुतली का खेल जो है ना
सारा दिखाते हैं। तो चलो फटाफट चलते हैं, ठीक है। और मेरी अगर वॉइस कम आ रही हो ना तो कमेंट में जरूर कर देना, नेक्स्ट टाइम में मैं ना चीख चीख के बोलूंगा, ठीक है। तो अभी है ना कठपुतली का खेल दिखाएंगे, अभी कठपुतली का खेल चालू होने वाला है, तब तक थोड़ा देखते हैं पानी वानी का कुछ करके आते हैं, पानी पीने का लेके आते हैं, वो कुछ खाने को मिलता है तो खाने को लेके आते हैं, क्योंकि यार गर्मी बहुत है यार, आपको पता है मैं धूप में ही ब्लॉग बनाता हूँ ज़्यादातर, तो खाने पीने का करते हैं उसके बाद। काला पीले तो पूरे ही हम पहले से ही, काले पीले, लाल नीले, हरे नीले सब हो गया। कठपुतली का खेल शुरू होने वाला है तो एंट्री कर रही है अनारकली, तो आपको सारा दिखाएंगे, फटाफट बैठ जाओ हमारे साथ और एंजॉय करो। और आपके सामने नमस्कार कीजिए, देख रहा अनारकली के ठुमके माइकल जैक्सन है ये हमारे फोन आया माइकल जैक्सन। तो आपने भी अनारकली को देखा, अब माइकल जैक्सन आ रहा है, अमेरिका वाला माइकल जैक्सन। तो देखो हाई गर्मी वाला स्टेप। देख रहा गर्मी वाला स्टेप। हमारे चंपालाल सपेरा, हमारे गाइस चंपालाल सपेरा आ गए। ओहो ये चलाते हैं अनारकली को, ये देख लो। ये करते ढूमके देखो गाइस, अनारकली के ढूमके बॉलीवुड के अनारकली तो पहले राजस्थान के अनारकली के आ गए। देख रहे हो ठुमके, देख रहे हो ये छे तो देखा गाइस, अभी आपने कठपुतली का खेल देखा, सारा एंजॉय किया कठपुतली का खेल। तो अभी आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आगे का सारा जो भी सीन रहता है सब कुछ, बड़ा एंजॉय ना देखा आपने। बॉलीवुड की अनारकली के ठुमके फेल है, राजस्थान की कठपुतली अनारकली के आगे। तो यार तो कैसा लगा भैया अनारकली के ठुमके?
एक बार ठुमके दिखाया जाए आपके, देखो गाइस अनार के लिए ठुमके देख के कसम से यार शानदार है कसम। मैंने भी है ना, मैं जयपुर कितने सालों से रह रहा हूँ, लेकिन मैंने भी है ना कठपुतली खेल शायद बहुत साल पहले देखा, जब मैं छोटा सा था पापा मम्मी के साथ घूमने जाया करता था तब देखा था। अब जाके इतने साल बाद मैंने ना एक कठपुतली का, राजस्थान कठपुतली का खेल देखा था और बड़ा मजा आया यार। आपको मजा आया होगा तो ब्लॉग को एंजॉय करो, अभी तो ब्लॉग में बहुत कुछ फन होने वाला है तो एंजॉय करो। चलते हैं आगे, लेट्स गो। जो मैंने आपको छोटा मॉडल दिखाया ना वो इसका छोटा मॉडल था, ये देखो ये पूरा देख लो आप, इसका था वो छोटा मॉडल जो आपको थोड़ा सा पहले दिखाया था ना मैंने, सन क्लॉक का सबसे बड़ी सन क्लॉक यही है, जंतर मंतर की बहुत पुरानी क्लॉक है ये, दुनिया की सबसे पहली क्लॉक यही है जंतर मंतर की वो। तो जो मैंने दिखाई ना वो ये क्लॉक है, सबसे बड़ी क्लॉक है ये, बहुत ज्यादा बड़ी है लिटरली। मैंने भी आपको इसका डेमो पीस दिखाया था, छोटा सा प्लास्टिक के डब्बे में जो रखा हुआ था जाली में, और अब ये देखो, ये देखो अब है ना इसके नीचे चलेंगे, अभी आपको मैं बताता हूँ ये बनी कब थी, कब बनी थी भैया ये, क्या नाम है सम्राट यंत्र, और ये बनी थी 1901 में। एक इधर है आपको सम्राट यंत्र हम नीचे से दिखाएंगे अंदर से, ये देखो यहाँ पहले ही बैठ गए आके सम्राट यंत्र के, हमको पीछे छोड़ आए थे, ये देखो यहाँ इतनी धूप में भी है ना यहाँ पे सम्राट यंत्र में ना बहुत शानदार हवा आ रही है आपको, ये देखो ये देखो ये पूरा देखो ऐसे बना हुआ है सारा। तो ये देखो पूरा सम्राट यंत्र के अंदर हमें इस टाइम में, मैं आपको एक सम्राट यंत्र के गुफा में लेके जाता हूँ, आपको आवाज अजीब सी आ रही होगी, ये देखो ये छोटी सी केव है जिसपे ऐसे ऐसे नीचे से निकल सकते हैं अपन लोग ऐसा करके, तो दूसरी साइड पे आ जाएंगे अपन सम्राट यंत्र की। तो ये पूरा ऐसा बना हुआ है सारा जाना आने करने का, यहाँ पूरा आप टहल सकते हो देख सकते हो इसको पूरा सारा कुछ, ये पूरा बना हुआ है, यहाँ आप फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हो, अच्छी फोटोज आएंगी यहाँ पे वैसे इंस्टाग्राम वगैरह के लिए पोस्ट के लिए, बहुत शानदार पोस्ट आएंगे, गजब गजब पिक्स आएंगे इंस्टाग्राम के लिए, ये देख सकते हो पूरा कुछ सारा बढ़िया फोटोज आएंगी, और ये अच्छा बना हुआ है वैसे, यहाँ से पता करते सूरज की रोशनी से है ना पता किया जाता था राशिफल समय और ये सब कुछ है ना सूरज की रोशनी से पता किया जाता था यहाँ पे जंतर मंतर के तहत, राजस्थान के अंदर यहीं से पता लगता सबसे पहले जो सारा सीन था। तो ये देख सकते हो सारा कुछ, देखो चश्मा नहीं था गिर गया था दोबारा आ गया। तो एंजॉय किया ना आपने इस ब्लॉग में, अभी और आगे चलते हैं और कुछ चीज़ें दिखाते हैं आपको और फिर देखते हैं क्या है यहाँ पर फटाफट से, क्योंकि लगभग कंप्लीट होने वाला है जंतर मंतर, ज़्यादा बड़ा नहीं यहाँ पे जो टोटल चीज़ें ना वो सारी क्लॉक्स ही सन क्लॉक्स हैं सारे कुछ जो भी हैं और राशिफल वगैरह बताने की वो यंत्र से जो आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया, तो चलो चलते हैं इसको, अभी नीचे मैंने आपको सब दिखाया था जो भी है, अब फटाफट ऊपर चलते हैं और ऊपर लास्ट जो बचा कुछ है वो देखते हैं और चलते हैं फिर, चलो जल्दी से ऊपर ऊपर चढ़ते हैं फटाफट चलते हैं सारा कुछ। मैंने ये अंदर म्यूजियम टाइप है, छोटे छोटे यंत्र रखे हुए हैं इसके अंदर सारे, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है लेकिन मैं आपको सिनेमेटिक्स दे दूंगा, वॉइस नहीं दे पाऊंगा उसके अंदर, तो चलो चलते हैं लेट्स गो। तो भी आपने अंदर सिनेमेटिक्स देखे सारे मैंने दिखा दिया आपको, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी वहाँ पे, नॉर्मली वीडियो आपको रिकॉर्डिंग करके सिनेमेटिक शॉट्स आपको दिखा दिए, पूरा जंतर मंतर देखा ना आपने कैसा दिखता है पूरा जंतर मंतर, तो बस इतना ही था जंतर मंतर में, अब चलते हैं भैया चले घर, चले गाइस चलते हैं बाहर आउटडोर देते हैं बाहर चल के और फिर घर चलते हैं, ठीक है लेट्स गो। ठीक है गाइस जंतर मंतर आपने पूरा देख लिया है, पूरी वीडियो हो चुकी है, तो अब इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मैं ब्लॉग को एंड करते हैं, वीडियो पसंद आए वीडियो को एंड करते हैं इतना ही था जंतर मंतर में, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ आप लोग है ना सिर्फ देख के वीडियोस को निकल जा रहे हो, स्किप मत करो वीडियो को पूरा देखो और चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब तो जरूरी कर लो और कमेंट तो करके ही जाना,
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड व्लॉग्स।